गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो एक्सरसाइज 11 फ्रॉम आरएस अग्रवाल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अभी तक जो हम लोग पढ़े स्टूडेंट्स वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़े हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सब चीजों के बारे में अभी तक स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े, थीटा का वैल्यू, एंगल्स का वैल्यू पढ़े। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। उसमें थीटा का वैल्यू जो है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, एबीसी, और यहां जो है ये थीटा मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस। ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं साइन थीटा यानी पी बाई एच, आज हम लोग जो पढ़ेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, उसको कैसे ट्रैक करेंगे, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, तो इन सब का वैल्यू जो है थीटा का वैल्यू कैसे हम ट्रैक करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ मुझे साइन 45 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू अगर हमें 45 डिग्री निकालना है, मान लेते हैं अगर ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो एंगल्स के अनुसार 90 डिग्री ये है, तो ये 45 और ये भी 45, इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या क्लियर है, ये हमारा परपेंडिकुलर मान लेते हैं पी, ये हमारा बेस बी और ये हाइपोटेनस एच, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, बाई पीजीटी, पीजीटी यानी क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ओके। यहां एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो इसके दोनों, अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इसका दोनों साइड क्या होगा, इसका दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, यानी क्या P इक्वल टू बी, यानी P इक्वल टू बी, अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये P इक्वल टू बी, ये दोनों साइड इक्वल होगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब तो हमारा क्या है, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का क्या, बी स्क्वायर का भी हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर ही लिख देंगे, क्यों, क्योंकि पी इक्वल टू बी, यानी जब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, जब दोनों ये इक्वल है तो इसका दोनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, इसको हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, टू पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट टू पी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि क्या होगा, बाहर आएगा तो पी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट टू पी, यानी एच हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, एच हमारा आ गया रूट टू
पी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब हमारा एच फाइंड हो गया तो एच रूट, एच बराबर रूट टू पी कब आया है, जब पी इक्वल टू बी है। एच बराबर रूट टू पी कब आया है, जब पी इक्वल टू बी है। स्टूडेंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री यानी तो सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, पी बाई एच। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पी कितना है, पी, और एच कितना हमारा आया है, रूट टू पी, यानी पी से पी कैंसिल, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह साइन का वैल्यू हमारा निकल गया 1/√2, तो अब हम कॉस का भी वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, बी बाई एच होता है स्टूडेंट्स। तो कॉस 45 डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस 45 डिग्री यानी बी इक्वल टू बी, तो इसको भी हम पी ही मानेंगे, बी को हम पी ही लिखेंगे, और एच हमारा कितना है, रूट टू पी, पी से पी कैंसिल, तो कॉस 45 डिग्री भी कितना होता है, 1/√2। अब जब कॉस 45 डिग्री हम निकाल ही चुके हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेन 45 डिग्री का भी वैल्यू निकालते हैं। तो टेन 45 डिग्री क्या होता है, सबसे पहले टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी, तो टेन 45 डिग्री क्या होगा, टेन 45 डिग्री, तो पी का पी और बी का वैल्यू पी इक्वल टू बी, तो पी यानी 1। टेन 45 डिग्री कितना आया, पी से पी कैंसिल 1। अब हमारे पास आ गया क्या, कॉट 45 डिग्री। अब कॉट 45 डिग्री भी देख लेते हैं, तो कॉट 45 डिग्री क्या होता है, बी बाई पी, तो बी को तो हम पी मान ही चुके हैं, चूंकि पी इक्वल टू बी, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, पी से पी कैंसिल, तो कॉट 45 डिग्री में कितना आया, 1 आया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, एच बाई बी, एच बाई बी यानी सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू कितना है, रूट टू पी, और बी का वैल्यू कितना, पी, पी से पी कैंसिल, यानी सेक 45 डिग्री रूट टू आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है, अब लास्ट में बच रहा है क्या, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है एच बाई पी, यानी कॉसेक 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, एच हमारा कितना है, रूट टू पी, और पी हमारा पी, तो पी से पी कैंसिल, कॉसेक 45 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, रूट टू। तो ये तो 45 डिग्री की बात थी स्टूडेंट्स। अगर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करते हैं तो आइए उसके लिए भी देखते हैं क्या करना है। अब क्या है स्टूडेंट्स, फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात करते हैं, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहां एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सारा साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इसको हम 2a मानेंगे तो ये भी 2a होगा और ये पूरा भी क्या होगा, 2a होगा। अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं तो ये a और ये a। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां एक एंगल बनता है क्या, 60 डिग्री। सपोज यहां क्या बनता है,
30 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम ट्रायंगल ए बी और डी को लेते हैं। ट्रायंगल यहां दो ट्रायंगल बनाना, एक ट्रायंगल ए बी और डी, दूसरा बना ए बी और सी। तो अभी हम ट्रायंगल ए बी और डी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं तो यहां हम क्या पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा है, यानी ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, आपको परेशानी नहीं हो इसके लिए हम फिर से लिख दे रहे हैं इसको। एच हमारा क्या हो जाएगा, ये 2a, बेस हमारा क्या हो जाएगा a, और परपेंडिकुलर नहीं पता है, यानी ये हमको निकालना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, बाय फिजिटी इसमें भी वही करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स? अब यहां हमारा ए बी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए बी हमारा कितना दिया हुआ, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए बी हमारा दिया हुआ है 2a, तो 2a का स्क्वायर। ए बी हमको क्या करना है, निकालना है, ए बी नहीं पता है तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है a, यानी a का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर इधर आ गया तो क्या होगा माइनस a स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर का ए डी स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या बचा 3a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर का ए डी स्क्वायर। अगर ये रूट इधर आ गया तो क्या हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी, यानी क्या बाहर आ जाएगा रूट 3 का 3 और ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो हमारा ए डी का वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट्स रूट 3a। अब तो बहुत ही आसान हो गया वैल्यू निकालना। अब कैसे निकालते हैं, अब हम सबसे पहले यहां साइन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। इस एंगल को अगर हम लेके चलते हैं स्टूडेंट्स तो साइन 60 डिग्री की हम बात करते हैं, यानी साइन थीटा क्या होता है पी वाई एच, और साइन और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की बात करते हैं तो पी हमारा क्या है रूट 3 ए, और एच हमारा क्या है 2a, ए से ए कैंसिल, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया रूट 3/2। इसी तरह अगर हम कॉस 60 डिग्री की बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा हमारा होता है स्टूडेंट्स बी बाई एच, यानी कॉस और थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो ए बेस हमारा कितना है ए और एच हमारा कितना है 2a, ए से ए कैंसिल, यानी कॉस 60 डिग्री क्या 1/2। अगर हम टेन 60 डिग्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स, टेन थीटा की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है पी बाई बी, और टेन का टेन और थीटा की जगह पर हम कितना वैल्यू रख रहे हैं 60 डिग्री का वैल्यू रख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पी हमारा कितना है रूट 3a और बी हमारा कितना है a, a से a कैंसिल, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स रूट 3 आ रहा है। क्लियर है? अब हम cot 60 थीटा, यानी cot थीटा हमारा क्या होता है b by p, यानी cot 60 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स तो b हमारा कितना है a और p हमारा कितना है रूट 3a, ए से ए कैंसिल, यानी 1/√3। cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 1/√3।
रूट थ्री। अब हम सेक की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, सेक थीटा हमारा होता है एच बाई बी, एच बाई बी। यहां सेक का सेक और थीटा का वैल्यू हम कितना रख रहे हैं 60 डिग्री, तो एच हमारा कितना है 2a और बी हमारा कितना है a, a से a कैंसिल, यानी sec थीटा का वैल्यू कितना आया, sec 60 डिग्री का वैल्यू 2। अब लास्ट में हमारा बच रहा है स्टूडेंट्स क्या, तो बच रहा है cosec थीटा, यानी cosec थीटा हमारा होता है h बाई पी, यानी cosec 60 डिग्री का वैल्यू जो हमारा होगा स्टूडेंट्स, तो h का वैल्यू कितना है 2a और b का वैल्यू कितना है रूट थ्री ए, ए से ए कैंसिल, यानी cosec 60 डिग्री हमारा हो जाएगा 2/√3। ये हमारा क्लियर हो गया। तो अभी है स्टूडेंट्स हम लोग निकालना देखे 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकला है। अब हम लोग जो स्टूडेंट्स निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स थर्टी डिग्री की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब यहां 60 डिग्री यहां एंगल बन रहा था तो परपेंडिकुलर हमारा ये बन रहा था, बट अगर 30 डिग्री यहां है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले पॉइंट्स में, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए, यानी पी इक्वल टू ए। क्लियर है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए और बी हमारा हो जाएगा क्या, ये रूट थ्री ए और बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा रूट थ्री ए और एच तो हमारा टू ए ऑलरेडी पहले से है। कब, जब एंगल यहां 30 डिग्री का बनता है तो परपेंडिकुलर ठीक उसके सामने वाला एंगल होता है, यानी ए ए हो जाएगा बी डी और बेस उसका साथ वाला साइड होता है, यानी ये हो जाएगा एडी। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब जब ये तीनों साइड क्लियर है तब तो बहुत आसान हो जाएगा निकालना साइन 30 डिग्री का मान। अब हम देखिए साइन थीटा, यानी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं पी बाई एच, तो पी बाई एच यानी साइन का साइन और थीटा का वैल्यू कितना रख रहे हैं हम लोग 30 डिग्री रख रहे हैं, तो 30 डिग्री रख रहे हैं तो क्या E का वैल्यू कितना है a और h का वैल्यू कितना है 2a, यानी a से a कैंसिल, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2। इसी तरह अगर हम cos 30 डिग्री की बात करते हैं, cos थीटा की बात करते हैं, तो cos थीटा होता है क्या b by h, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा b कितना है रूट थ्री ए और h का वैल्यू कितना है 2a, a से a कैंसिल, यानी cos 30 डिग्री क्या रूट थ्री बाई टू। क्लियर है, अब हम इसके साथ ही tan थीटा यानी p बाई b, यानी क्या tan और थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी तो p कितना है a और b हमारा कितना है रूट थ्री ए, ए से कैंसिल, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह अगर हम cot 30 डिग्री की बात करते हैं, cot 30 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो होता है b by p, यानी b हमारा कितना है रूट थ्री ए और p हमारा कितना है a, a से कैंसिल, यानी cot 30 डिग्री कितना रूट थ्री। क्लियर है, इसी तरह अगर हम sec 30 डिग्री की बात करते हैं तो sec 30 डिग्री हमारा क्या होता है h by b, h हमारा कितना है 2a और b हमारा कितना है रूट थ्री ए,
ए से कैंसिल यानी 2/√3। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक थर्टी डिग्री की बात करते हैं तो होता है एच बाई पी, तो एच हमारा कितना है 2a और पी हमारा कितना है a, ऐसे कैंसिल यानी कॉसेक 30 डिग्री कितना 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि साइन 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसको कैसे टारगेट करते हैं। अब साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि उसको कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं। तब तक आप लोग एक्सरसाइज 11 सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। ओके, थैंक यू।